दोस्तों शहाब भाई को तो आप जानते ही होंगे, जो कि इंडिया के केरला से निकले थे पैदल हज करने के लिए। 3 से 4 महीने इंडिया में पैदल चलने के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शहाब भाई को वीजा देने से इनकार कर दिया। और अब 3 से 4 महीने के बाद शहाब भाई को पाकिस्तान ने वीजा दे दिया है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम था कि शहाब भाई इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रुके हुए थे, और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शहाब भाई को पाकिस्तानी वीजा दे दिया है और अब शहाब भाई पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला तबारक व तआला शहाब भाई को जल्द से जल्द पहुंचा दे मक्का मुकर्रमा, ताकि वो अपना हज अदा कर सकें। दोस्तों आप लोग भी दुआ करें कि शहाब भाई बगैर किसी परेशानी और तकलीफ के मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएं और अपना हज अदा कर सकें। दोस्तों शहाब भाई ने बहुत ही इंतजार किया है, 3 से 4 महीने रुके रहे सिर्फ इंडिया के बॉर्डर पर, ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट शहाब भाई को वीजा दे सके। लेकिन बहुत ही इंतजार करने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने शहाब भाई को वीजा दे ही दिया और अब पाकिस्तान के बॉर्डर से निकल चुके हैं शहाब भाई। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।